इस सीरीज का सिंपल फंडा बताऊं, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। जिंदगी में हम जब भी परेशान होते हैं ना, तो हम यही कहते हैं, भाई काश हमारी जिंदगी में भी एक रिफ्रेश बटन होता जिसको दबा के अपनी जिंदगी को वापस से शुरू करते। लेकिन उस बटन को दबाने के बाद आपकी जिंदगी में होगा क्या, उसका कोई आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन अब अंदाजा हो जाएगा अगर आपने लिविंग विद योरसेल्फ देख ली है। तो नहीं देखी तो मैं बताने जा रहा हूं इसका स्टोरी प्लॉट, तो सुनिए। लिविंग विद योरसेल्फ की स्टोरी फॉलो कर रही है माइल्स की, जिसकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पंगे हैं, और उसी को सॉल्व करने के चक्कर में वो खुद पर एक एक्सपेरिमेंट करवा लेता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में उसका एक क्लोन बन जाता है। इसके आगे क्या होता है और उसकी लाइफ में कितनी ज्यादा मुसीबतें आती हैं, वो आपको नेटफ्लिक्स पे देख के पता चलेंगी। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो आई वॉज प्रीटी मच एक्साइटेड, क्योंकि इसमें एंटमैन है। मुझे पता है इसका नाम पॉल रूड है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आई नो दैट। जिसकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो आई वॉज लाइक हाँ ठीक है, ये सीरीज देखने वाली है, क्योंकि इसमें एक नया एंगल है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये टॉपिक इंडियन वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि डबल रोल्स और जो कि बिल्कुल सेम दिखने वाले वो गोविंदा की मूवी में हमें बहुत ही ज्यादा मिल जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितना भी स्टोरी है वो सब कुछ माइल्स के अराउंड और उसके क्लोन वर्जन के अराउंड चल रहा है, जो कि कभी कभार आपको इरिटेट कर सकता है, क्योंकि स्क्रीन पे कोई और करेक्टर्स आ नहीं रहे होते हैं और उन्हीं की स्टोरी प्लॉट को बैक एंड फोर्थ करके दिखाया जा रहा होता है कि उनके हिसाब से क्या चल रहा था, लाइक उसके क्लोन के वर्जन के हिसाब से, और जो रियल वर्जन है उसके हिसाब से स्टोरी क्या चल रही थी, जो कि कभी कभार आपको बीच में इरिटेट कर सकते हैं। बट अगर मैं बाकी के करेक्टर्स की बात करूं तो बहुत ही कम करेक्टर्स को छुआ गया है, जो कि सीरीज का लैग पॉइंट है। इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्शन, इट इज सो प्रीटी वेल डन। मतलब पॉल रीड का डबल रोल है और उनके रोल को जैसे प्रेजेंट करा गया है, इट टेक्स अ हार्ड जॉब टू डू दैट। सो एट द एंड आई विल जस्ट से लिविंग विद योरसेल्फ इज ठीक ठाक है, देख ले यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।